गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जसवीर सिंह, जीनियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़। मैं बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपने पढ़ेंगे द्वि संकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण के बारे में, द्विसंकर संकरण का डाइहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है कि मेंडल ने दो लक्षणों का साथ में क्या किया, क्रॉस किया, उसका अध्ययन किया। यदि दो लक्षणों को लेकर एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह जो क्रॉस है वह क्या कहलाता है, वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। यदि हम यहां पर प्रयोग के रूप में देखें तो यहां पर यदि मैं लूं तो कैपिटल आर ये है गोल बीज और कैपिटल वाई ये है पीले बीज पत्र। दो लक्षण हो गया, एक तो बीज का हो गया। इस बीज में यदि देखा जाए तो बीज का अंदर ये जो दोनों लक्षण है ये पेटरक है और ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी लक्षण है। यदि रिसेसों की बात करूं तो ये स्मॉल आर ये खुरदरे या झुर्रीदार बीज, और दूसरा जो इसका सिमिलर जो जीन है वो है स्मॉल वाई ये है इसका हरा बीज पत्र। तो हमने एक ही लक्षण है यदि देखा जाए तो गोल बीज और झुर्रीदार बीज ये एक लक्षण है, और पीले बीज पत्र और हरे बीज पत्र ये एक लक्षण है। अब हो गए दोनों दो लक्षण, यानी जब दो लक्षणों को लेकर साथ में प्रयोग किया जाता है तो यह द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब इसके जीनी रूप में यदि देखा जाए तो यह फ्लावर के अंदर है और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें जीन अलग अलग हो जाते हैं। यहां से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधे लक्षण आ गए, एक जीन इधर आ गया, इसका ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट बन गए। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, ये वाई गैमेट आधा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और ये क्या हो गया इसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पर मैं मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों की संख्या आधी हो जाती। अब इसके बीच में यदि मैं क्रॉस करवाऊं यानी परपरागण क्रॉस करवाऊं तो जो प्रथम पीढ़ी जो बनेगी उसमें ये प्रभावी लक्षण, इसके बाद में ये अप्रभावी, इसके बाद में ये जो लक्षण है ये प्रभावी और ये क्या होगा अप्रभावी। ये जो इसकी पीढ़ी है जो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहलाती है, इस प्रथम पीढ़ी में हमें कैसे अपने को लक्षण दिखेंगे, इसमें ये प्रभावी है तो प्रथम पीढ़ी में जो अपने को बीज मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो बीज हमें ये देखो यहां पर ये प्रभावी है अप्रभावी, प्रभावी अपना लक्षण प्रकट करेगा डोमिनेंट। तो यहां पर ये हो गया गोल बीज, इसके बाद में ये जो भाग है इसका जो भाग है ये इसका हो गया पीले बीज पत्र। अब यदि इस बीज में देखा जाए, इस बीज में दोनों लक्षण है, ये भी है ये भी है, इसके लक्षण को ये प्रकट नहीं होने देता, और यहां पर ये पीला बीज पत्र है, इसमें भी ये जो हरा बीज पत्र है ये इसका लक्षण प्रकट नहीं होने देता। अब इसके अंदर है ना क्या होगा, ये एक प्रकार का संकर है। अब हम F1 पीढ़ी है, ये जो F1 पीढ़ी है इस F1 पीढ़ी के अंदर हम यहां पर स्वपरागण कराते हैं या सेल्फिंग कराते हैं स्वपरागण, यानी ये जो संकर बीज है
अब हमें क्रॉस एक ही बार करवाना है, जब भी होगा प्रथम पीढ़ी में एक ही प्रकार एक ही बार हमें क्रॉस करवाना है, यानी पर परागण है ये क्रॉस, पर परागण में एक बीज के परागकण को दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर डालना, ये हमें एक ही बार करना है, हमने क्रॉस दिखाना है तो एक ही बार यहां पर दिखाना है इस तरह से। अब क्या होगा, यहां पर जो मुख्य रूप से जो बात आती है कि हमें यहां पर इनके द्वारा हमें चार लक्षण अलग अलग प्रकार के लक्षण अपने को यहां पर मिलते हैं। यदि मैं देखा जाऊं चेकरबोर्ड के द्वारा इसको बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आएगा अपने को, चेकरबोर्ड के अंदर अपने इसके अंदर 16 खाने बनाने पड़ेंगे, ये 16 खाने, तो इसमें ये जो भाग है ये चेकरबोर्ड के अंदर, ये इसका नर भाग यानी ये मेल भाग, इसका जो है पोलन ग्रेन परागकण, और ये इसका मादा भाग ओव्यूल्स। अब हमें इसके जीन बनाने पड़ेंगे, जीन बनाने के लिए इसके जीन जो हमें यहां पर रखने हैं वो जीन हमें यहां पर थोड़ा सा तरीका इस तरह से बनाने पड़ेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम यहां पर इस तरह से चार बिंदु लगा, पहले का इसका इसके साथ में संकरण, पहले और इसके साथ में संकरण, यानी पहले का हमने क्या किया दोनों के साथ में संकरण करवा, तो इससे जो बना वो बना कैपिटल आर, जो बनेगा वो बनेगा यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा जो इसका भाग बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब जो इसका दूसरे लक्षण के साथ में इसका क्रॉस करवाना है, पहले इसके साथ करवाया, ये जो है ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये इसका इसके साथ में जब अपने क्रॉस करवाएंगे तो ये हो गया स्मॉल वाई और यहां पर ये हो गया स्मॉल आर, यानी हमें यहां पर चार ये अपने को इस तरह से जीन मिले, जीन जोड़े में पेयर में पाए जाते हैं, इसको हमें इसी रूप में यहां पर रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा जीन आ गया, हमें ये बढ़ाना आना चाहिए वरना ये जो एफ टू पी डी है ये कंप्लीट नहीं होगी। यदि मैं इसको देखा जाऊं तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसी प्रकार सेम टू सेम कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका जो दूसरा जो भाग है इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यदि इसका चेकर बोर्ड बढ़ाए तो इस चेकर बोर्ड के अंदर यहां पर हमें एक ही प्रकार के लक्षणों को साथ साथ लिखना है दोनों को, तो यहां पर ये कैपिटल आर यहां पर ये हो गया कैपिटल वाई इसके बाद में कैपिटल आर, यहां पर से लिया मैंने ये कैपिटल आर, इधर से लिया मैंने ये कैपिटल आर, यहां से मैंने लिया कैपिटल वाई, पहले आएगा जो प्रभावी है वो पहले आएगा, ये अप्रभावी है ये बाद में आएगा। तीसरे लक्षण में यदि मेरे को यहां देखना पड़े तो ये देखो कैपिटल आर ये स्मॉल आर इसके साथ में आएगा, यहां पर कैपिटल वाई दोनों में इसी तरह से आ गया। तीसरे में देखा जाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल वाई जो प्रभावी लक्षण है वो पहले लिखा जाएगा ये, और ये अप्रभावी लक्षण बाद में लिखा जाएगा। अब यदि मैं इसको देखूं जल्दी जल्दी तो इसको मैं देखो किस प्रकार कैपिटल आर मैंने ये लिख लिया, इसके बाद में यहां पर भी कैपिटल आर ये देखो इस तरह से याद देखना इसे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी में भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी क्या है ये देखो ये कैपिटल आर पहले आएगा, इसमें आर ये है स्मॉल आर बाद में आएगा, इसी प्रकार इस चैम्बर में देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें दोनों स्मॉल आर ये इसमें इस तरह से मैंने भरा,
इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल आर, इसमें भी देखा जाए तो कैपिटल आर पहले स्मॉल आर बाद में, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर और ये। अब यदि मेरे को इसको यहां पर देखा जाए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें स्मॉल वाई, इसके अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें देखा जाए तो स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यदि ये F2PD है, ये F2PD है, तो F2PD का ये जो क्रॉस है हमें इस तरह से जीन के अनुरूप हमने बना लिया। अब यदि हमें देखने पर हमें किस प्रकार के बीज इसका जो रेशियो प्राप्त होगा, यदि मैं जीनोटाइप की बात करूं, यदि मैं जीनोटाइप की बात करूं, दो रेशियो अपने को यहां पर लिखना पड़ेगा, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण पर आधारित, जीनोटाइप को कहते हैं जीन पर आधारित। जो फिनोटाइप लक्षण पर आधारित है, वो हमें खुले आंखों से अपने को मटर के अंदर जो लक्षण अपने को दिखते हैं, जैसे हमने देखा कि गोल बीज है तो अपने को दिख रहा है, इसी प्रकार बीज पत्र है तो वो भी हमें दिख रहा है। तो जो लक्षण हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो फिनोटाइप करेक्टर होते हैं, जो नेगेटाइप वी कैन सी द नेगेटाइप, दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप करेक्टर। ये जो लक्षण होंगे इनका जो रेशियो होगा 9:3:3:1। यहां पर इसमें लक्षण में यदि देखा जाए तो हमें 9 ऐसे लक्षण होंगे जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, ये 9 जो लक्षण है, ये 3 अलग है, यदि देखा जाए तो ये एक लक्षण डिफरेंट होगा, एक इनमें से 3 ऐसे लक्षण होंगे, एक जैसे ये क्या हुआ यहां पर जो स्मॉल आर झुर्रीदार बीज है, और ये भी कैसा है बिल्ला बीज पत्र है, तो ये जैसे एक लक्षण हो गया ये, और यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये जैसे लक्षण जो है ये एक ही सेम प्रकार का लक्षण हो गया, इसी प्रकार ये लक्षण भी इसी प्रकार, तो ये लक्षण तीनों एक जैसे लक्षण अपने को यहां मिलेंगे। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो ये गोल बीज है और ये कैसे है, ये हरे बीज पत्र है, एक लक्षण इसका ये, इसके साथ में जो इसका जो लक्षण है मैं इसको नीले रंग से डिनोट करता हूं, एक इसका भाग ये, सेम टू सेम इसका गोल बीज और यहां पर जो है हरा बीज पत्र, ये गोल बीज और हरा बीज पत्र, इसके बाद में गोल बीज और हरा बीज पत्र, तो ये 3 लक्षण ही हो गए, 3 लक्षण ये जो 3 को डिनोट करेंगे, ये 3 लक्षण ये जो इसको डिनोट करें, 9 ये एक जैसे लक्षण होंगे, ये गोल बीज और पीले बीज पत्र, ये देखो गोल बीज सेम टू सेम सारे लक्षण आपको इसी प्रकार मिलेंगे, ये देखो सारे 9 के 9 आपको इसी प्रकार मिलेंगे, इनमें 9 में यदि देखा जाए तो अपने को ये लक्षण है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक जो इसका भाग जो है वो ये भाग है, ये देखो 9, इस तरह से 9 अपने को मिलेंगे, ये फिनोटाइप करेक्टर है, यानी बीज का जैसा आकार होगा वो हमें दिखना पड़ेगा। लेकिन इसका जो जीनी प्रारूप है, वो जीनी प्रारूप आपको याद करने के लिए आप याद रखना अंकों की संख्या 1224, 121, 21, यानी इन लक्षणों के अंदर बीच में रेशियो लगा देना अनुपात, ये जीन प्रारूप है, ये जीन प्रारूप आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी जो लक्षण होगा वो क्या करेगा उसमें छुपा रहेगा। अब मान लो हम मैं इसकी बात करूं, देखने में कैसे है, देखने में मेरे को गोल बीज और पीले बीज पत्र मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ये लक्षण छुपा हुआ है, ये मेरे को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये देखने में तो क्या है कि देखने में तो फिनोटाइप है, लेकिन जब इसको खेत में बोऊंगा तो इतने सारे लक्षण इसमें प्रकट होंगे, इसका मतलब है इसमें बहुत ऐसे लक्षण है जो छुपे हुए हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रकट होते हैं, ऐसे लक्षण जो नेक्स्ट जनरेशन में प्रकट होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं,
उन लक्षणों को हम जीनोटाइप कहते हैं, और जीनोटाइप का द्विसंकर संकरण का ये रेशो अपने को याद रखना पड़ता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा द्विसंकर संकरण प्रयोग मेंडल का, जिसमें कोई भी लक्षण हम यहां पर ले सकते हैं। ये जो सिंबल मैंने यूज किए हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, आप यहां पर कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। सिंबल का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं राउंड सीड की बात करूं तो आर का इसका नहीं है, लेकिन ये एक जीन को डिनोट करता है, यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि ये आर जो है कैपिटल आर, यहां पर कोई भी मैं यदि अल्फाबेट लूं तो जो अल्फाबेट मैं लूंगा वहां पर स्मॉल अल्फाबेट मुझे लेना पड़ेगा, और यहां कैपिटल अल्फाबेट है वो मुझे स्मॉल इधर लेना पड़ेगा। तो कोई भी आप जब आप क्रॉस करो और करो तो आप इसमें कोई भी अल्फाबेट ले सकते, लेकिन आप यदि लिख दिए गोल बीज तो ये गोल बीज है, पीली बीज पत्र है तो पीली बीज पत्र है। अब यहां पर मैंने झुर्रीदार बीज पत्र है, झुर्रीदार रिंकल्ड होता है, डब्ल्यू आता है, लेकिन मैंने स्मॉल लिखा है। ये इसका सिमिलर जीन है, ये इसका, इसीलिए इसको यहां पर लिखना पड़ता है। हरा है हरा ग्रीन, लेकिन मैंने स्मॉल वाई लिखा है। तो यहां पर ये क्या है, इस जीन को अपने को रिप्रेजेंट करे कि कैसे मेंडल ने बताया था कि इस तरह से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में लक्षण आगे वाली पीढ़ी में जाके और वो प्रकट होते हैं। यानी मेंडल के द्वारा ये ऐसा प्रारूप, इसके बाद में एफ थ्री पीढ़ी। तो किस प्रकार यानी अनुवांशिकता में किस प्रकार ये जो है लक्षण है वो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर क्या करते हैं, प्रकट। तो आज हमने जो पढ़ा उसको द्विसंकर संकर प्रयोग। हैव ए नाइस डे, गुड डे।